मैंने पंखे पे दुपट्टा लगा के मैंने 2-3 बार ट्राई किया। बिग बॉस का वो नल्ला डॉन आपको याद है जिसने सलमान खान से सीधे सीधे पंगा लिया था? हम बात कर रहे हैं जुबैर खान के बारे में, जिन्होंने हाल ही में सलमान को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। रियलिटी शो बिग बॉस में कई ऐसे कंटेस्टेंट देखने को मिले जो सिर्फ अपनी कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में रहे। इस शो के 11वें सीजन में एक ऐसा कंटेस्टेंट आया जिन्होंने सलमान खान से पंगा लिया, और ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि जुबैर खान थे। उन्होंने सलमान खान को धमकी दी थी और शो से निकल गए थे, जिस के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई और होती ही रही। 6 सालों के बाद जुबैर खान ने अपना हाल बताया है। उन्होंने हाल ही में बताया कि परेशान होकर कई बार उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की है। जी हां दोस्तों, बिग बॉस के 11वें सीजन में नजर आए थे जुबैर खान, और अपनी जबान और अपने लड़ाई झगड़ों की वजह से काफी सुर्खियों में रहे। हद तो तब हो गई जब उन्होंने सीधा सीधा सलमान खान से पंगा ले लिया था, जिसके बाद सलमान खान काफी नाराज हुए थे जुबैर खान पर। उस टाइम पर जुबैर खान गुस्से में बिग बॉस से निकल गए थे और सलमान खान पर धमकी देने के आरोप में केस भी फाइल किया। इसके बाद वो कभी कभी कैमरा के सामने नजर आते थे, फिर गायब हो गए। हाल ही में कई सालों के बाद जुबैर खान ने एक इंटरव्यू दिया और अपनी आप बीती सुनाई। जुबैर खान ने कहा कि सलमान खान से पंगा लेने के बाद उनके हालात बस से बदतर हो गए। जुबैर खान ने कहा कि उन्हें जेल जाना पड़ा, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, और इसी बीच उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया। माँ के खोने के बाद जुबैर खान इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने बताया कि कई बार उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। जुबैर खान ने इस इंटरव्यू में कहा, सलमान भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं इंडस्ट्री से आउट हो चुका हूं। सलमान ने मुझे नल्ला डॉन कहा था। सलमान खान के वकीलों ने मुझे छूटे केस में फंसाया और जेल भिजवा दिया। कॉन्ट्रोवर्सी में मेरी अम्मी चली गई। जुबैर का कहना है कि वो 16 सालों से डिप्रेशन के मरीज हैं और माँ को खोने के बाद पूरी तरह से टूट गए। जुबैर ने बताया कि उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में कई बार सोचा। उन्होंने 2-3 बार पंखे से लटक कर सुसाइड की कोशिश भी की। जुबैर खान ने बताया कि अब वो छोटा सा होटल चलाते हैं और उम्मीद है कि कॉन्ट्रोवर्सी के बाद हुई बर्बादी की भरपाई वो एक दिन कर पाएंगे। बिग बॉस 11 में जुबैर का एग्रेसिव बर्ताव सलमान खान को कतई पसंद नहीं आया था। जुबैर ने फीमेल कंटेस्टेंट्स को 2 रुपीज वुमेन कहा था। इस पर सलमान ने जुबैर की क्लास लगाई। सलमान ने जुबैर को गुस्से में नल्ला डॉन भी कहा था। उन्होंने कहा था कि जुबैर आ रहा हूँ बेटा तेरे पास, कसम खुदा की तुझे कुत्ता ना बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। बाहर आकर जुबैर ने सलमान खान के खिलाफ केस भी किया था, जो बाद में उन्होंने वापस ले लिया था। केस वापस लेने को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया था। जुबैर खान ने इस ट्वीट में लिखा था कि सलमान खान के खिलाफ जो उन्होंने केस किया था उसे वो वापस ले रहे हैं। उन्होंने बताया था कि इन सब कॉन्ट्रोवर्सी के बीच उनकी अम्मी की जिंदगी भी चली गई है। जुबैर खान अपनी अम्मी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन बिग बॉस की कॉन्ट्रोवर्सी होने के बाद बाहरी दुनिया में उनकी बहुत बदनामी हुई, और जिसके बाद से लगातार उन्हें ट्रोल करते रहे थे लोग, और इसी के बाद से उनका करियर दिन ब दिन खत्म होता जा रहा था। अब सालों के बाद जुबैर खान ने इंटरव्यू दिया है और इसके साथ ही बताया है कि सलमान खान से पंगा लेने के बाद उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा बर्बाद हो गई थी। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।